नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा कि आजकल घर जो है हवा महल में तैरते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार जिसके पास ज़मीन हो उसको दे या ना दे, लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको जो है आवाज़ दे रही। आवाज़ भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक किस्त नहीं, दो किस्त नहीं, बल्कि तीन तीन चार चार किस्त जो है पैसे लोग निकाल रहे हैं। आइए मिलते हैं उन लोगों से जो कि हवा महल बना रहे हैं, जिनका जो घर है हवा में बन रहा, और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़मीन इनके पास है ही नहीं तो आवाज़ सरकार पास कैसे कर देती है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज़ की होती है कि अगर सरकार पैसे पास कर रही है तो फिर उसको जगह या ज़मीन भी देना चाहिए। क्या समस्या है काका आपकी? जी यही समस्या है सर, जो हमको आवास मिला है घर बनाने का नहीं बना रहे हैं। कहाँ है? ग्राम गाड़ा गोड़ा टोला भवन। आपका नाम? लल्लू। कितना पास हुआ आपका पैसा? पैसा 25,000 ना हो, एक बार आया है हम लोगों के पास। अच्छा। जब रुक गया तो नहीं बनवा पाए। अच्छा। तो ज़मीन आपके पास नहीं? नहीं है सर। तो फिर आपका आवास कैसे पास हो गया? अब यही तो नहीं मालूम, सरपंच सेक्रेटरी कैसे पास कर दिए हैं सर। अब वही आए तो बताएं कि घर बना लो, तुम्हारे खाते में पैसा आ गया। हम लोग क्या जानी कहाँ थे, कैसे डर दिए। लोग जब बनाने लगे घर में तो सब रोक आ गए। नहीं, सरपंच से आपने पूछा कि हम कहाँ बनाएं, घर कहाँ है, ज़मीन? अगर आपने आवाज़ दिलवाए कहीं जहाँ तुम लोग घर बनाए हो वहीं बनाओ घर सब कोई। अब जब वहाँ छींद कर दें तब वो भी नहीं जाते हैं, ना सरपंच जाता है ना सेक्रेटरी जाता है। नोटिस भेजते हैं कि तुम घर बनाओ नहीं जेल जाओगे, नोटिस भेजे हैं सर हम लोग। किसके द्वारा नोटिस है ये सब? सब के लिए जो पैसा किस किस किसने भेजा है नोटिस? सेक्रेटरी लाया है सर। सेक्रेटरी ने भेजा है? जी। तो जब आपके पास घर ज़मीन ही नहीं है तो घर आप बनाएंगे कहाँ की? वही तो हम बता रहे हैं कि जब घर नहीं है तो कहाँ बनाए। कहते हैं जब फिर बनाओ कहते हैं तो हम लोग कहाँ बनाए, फिर आते हैं कहते हैं बनाओगे तो मारेंगे, यही झंझट है। अच्छा, आप भी हैं वहीं के? जी सर। क्या नाम है आपका? राम कुमार कोल। तो आपका क्या मामला है, आप अपना बताएं। सर हम घर बनाने चाहते हैं और पर बनाने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं बनाने दे रहा आपको? पट्टर मुन्ने दमोदर अनिल जय कुमार सिंह। ये सब कौन है? ये ठाकुर हैं। कहाँ के? गोढ़ा टोला के हैं। अच्छा, तो ज़मीन आप किसी के पट्टे पे बनाएंगे, मतलब आपका घर जो है किसी के पट्टे पे बनाएंगे तो वो कैसे बनाने देंगे बताएं? नहीं बनाने देंगे सर। तो फिर आप उनका नाम कैसे ले रहे हैं कि वो नहीं बनाने दे रहे? हो गया, वो लोग कहते हैं कि पट्टा है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं वैसा हमसे मतलब। क्या उनका पट्टा है वहाँ पे? अब पता नहीं सर, ये तो नहीं बता सकते, मगर बोलते हैं कि पट्टा है। नहीं, बोलने से क्या होता है? हम कह दें कि ये जो आप खड़े हैं जहाँ पर, ये हमारा पट्टा है, तो क्या हमारा हो जाएगा? नहीं सर। तो फिर आप इसकी जांच करवाएं पटवारी से, आपने बात किया? पटवारी साहब एक बार गए थे तो वहाँ पर बताएं बहुत से अर्जियाँ दे हैं। क्या पटवारी पहुँचे वहाँ पर? हाँ पहुँचे थे वहाँ। फिर तो बोले कि ये जगह जो है तो सरकारी है, किसी के मतलब ना तोहरे पट्टा बनी गरीब के ना ठकुरे के बनी। फिर उसके बाद बीच में अब घर बना रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पट्टा है, अब नहीं बना पा रहे हैं। नहीं तो आपका पैसा पास हुआ, दो तीन बार पैसा पास हुआ, तो क्या घर बना नहीं तो फिर पैसा कैसे पास हो गया? आपके आपके अकाउंट में कैसे पहुंचा पैसा? अब सरपंच और सेक्रेटरी जाने, हम क्या जाने सर, और नहीं जान सकते, वही बताएंगे। आपसे कुछ घोंस लिया गया था आवास के लिए? घोंस तो नहीं लिया सर। नहीं लिया गया था? फिर पैसे कैसे आ गए बताइए, जब आपका घर ही नहीं बन रहा है तो कैसे आ जाते हैं? अब क्या बताएं सर, कैसे आ गया वो भी हम नहीं जानते। और अगर आ गया तो नोटिस कैसे मांग रहा है सामने वाला? आप नोटिस कैसे दे रहा है आपको? नोटिस वो लिया के हमको देते हैं, बनाओ बनाओ तुम, कोई कुछ भी कहेगा तो हम फिर आएंगे। अब बनाते हैं तो कोई नहीं। कागज कैसा, क्या चीज़ें हैं ये? ये अर्जी पुर्जी है। किसको दे रहे हैं? कलेक्टर साहब। दे दिया आपने? जी अब ये तो नहीं दिए, देने वाले। अच्छा, आवेदन कि हमें नोटिस दी जा रही है। भ्रष्टाचार की सीमा होती लेकिन यहाँ तो हद पार हो गई, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला रोजगार सहायक, सचिव, सेक्रेटरी, सरपंच, लेकिन यहाँ पर नोटिस इनको दी जाती है कि आप वहाँ पर घर बनाइए, छुपाने के लिए कि ये मैटर बाहर ना आए। लेकिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूँ कि दिक्कत यहाँ बनती है कि इनके पास जब ज़मीन नहीं तो घर कहाँ बनाएंगे, और अगर घर अगर बनाएं तो वो सामने वाला गिरा देगा, क्योंकि वहाँ पर जो है तो पट्टा किसी और का है। अगर ये सरकारी ज़मीन भी है तो जब तक सरपंच अलॉट नहीं करता
होता इनको, या फिर यहाँ के भू राजस्व के द्वारा जो है इनको अगर अलॉट नहीं होती तब तक ये घर बनाने के अधिकारी एक सरकारी ज़मीन पर भी नहीं है, क्योंकि वो अतिक्रमण कहलाएगा। और अगर अतिक्रमण करेंगे तो ये बिल्डिंग इनकी भी वहाँ पर गिराई जा सकती है और गिराई जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान एक सरकारी भूमि पर अपना पट्टा या काविजदार वो नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, घर नहीं बना सकता। तो ये अगर बनाते हैं तो इनका घर गिरा दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि गरीबों का मजाक ऐसा उड़ाया जाता है कि एक तरफ पैसा दिया जाता है, दूसरी तरफ जो है इनका घर नहीं बन पाता, इनसे फिर से नोटिस देकर इनसे पैसे वापस मांगे जाते हैं। पैसे वापस मांगे जा रहे हैं, कहते हैं कि घर नहीं बनाओगे तो पैसा वापस करो। अच्छा, तो ये रही पूरी कहानी जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वारदात पहली बार नहीं, कई बार हो चुका, लेकिन इस पर प्रशासन कहीं एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। ये ऐसी गलतियों पर सामने वाले को सजा देनी चाहिए, क्योंकि गलती उनकी और छुपाया इनके माध्यम से जा रहा। इनसे पैसे मांगकर वो सामने वाला जो बंदा है वो कहीं ना कहीं अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा और नोटिस दे रहा बार बार घर बनाओ। आप कहाँ बनाएंगे, आप घर कहाँ बनाएंगे, जब कहीं बनाई नहीं देंगे तो जेल जाना पसंद करेंगे? तब क्या करेंगे, जौन करेगा तो करेंगे, जेल जाएंगे कहाँ? क्यों जेल जाएंगे आप, क्या करें सर, कहाँ जबरदस्ती बनाएंगे तो जेल जाएंगे। भाई आपने पैसे निकाले हैं तो जेल जाएंगे आप, क्योंकि आपने घर नहीं बनाया, सामने वाला नोटिस दे रहा है आपको, क्या करेंगे आप? जेल काहे के जेल जाएंगे, जब पैसा वापिस कर देंगे तो क्या जाएंगे सर? तो पास कैसे हुआ, क्या आपने पूछा उनसे? नहीं पूछा सर। सवाल बड़ा है जो आप लोगों के सामने है कि आखिर में पैसा इनके अकाउंट में आया तो आया कैसे, कैसे इनको पैसे मिल जाते हैं? यहाँ जिसके पास जमीन हो जायदाद हो उसको मिलती नहीं और इनको जो है मिल जाता है, आखिर में क्या मामला है, कैसा है, आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर अब कानून जो है व्यवस्था, या कह सकते हैं कि कलेक्टर या फिर सीओ क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने लायक बात होगी कि आखिर में प्रशासन अब आगे क्या करता है। जुड़े रहें आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ, मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ, नमस्कार, जय हिंद।